हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल खुशीज लाइफ व्लॉग्स। आज बहुत दिन के बाद मैं आज लिटिल से अपना ग्रॉसरी शॉपिंग आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और ये ग्रॉसरी शॉपिंग आज बहुत ही क्विक होने वाला है क्योंकि हम लोग अभी रिसेंटली हॉलीडे से आए हुए हैं और ये एक तरीके का रीसेट ग्रॉसरी शॉपिंग है। तो फटाफट मैं आज कुछ भी जो भी लेने वाली हूँ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स जब भी मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाती हूँ तो जो भी ऑफिस में है उसको मैं ज़रूर एक बार देखती हूँ। और लिटिल में ना इस बार कॉलीफ्लावर का प्राइसेस काफ़ी कम था, बीन्स का भी प्राइस कम था, तो मैंने दोनों भी ले लिए हैं। और कॉलीफ्लावर क्योंकि बहुत मुश्किल से ही इतने कम प्राइस में मिलता है, 89p में मिल रहा था, यूजली 1 pound के ऊपर ही रहता है, तो मैंने 2 pack ले लिया इस बार। फिर फ्रेंड्स मैं रिसेंटली जैसे मैंने कहा कि मैं हॉलीडे पे गई हुई थी, और मैं बता दूं कि लिटिल में इस तरीके का कोस्टा कॉफ़ी अगर आप लोग कुछ पीना चाहते हो कैंड वाला, तो यहाँ पे आपको 4 मिल रहे हैं 3.49 है। वही अगर आप कोस्टा कॉफ़ी के कैफ़े में जाओगे तो आपको 1 3 pounds में मिलेगा, सो दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो अगर आप लोग को जैसे हॉलीडे प्लान कर रहे हो तो आप इस तरीके से कैंस अपने इसमें रखें, इवन स्टारबक्स का भी मिलता है, तो ये सब हम लोग पैक करके लेकर जा सकते हैं। बस इस बार लिटिल के स्टॉक में ये सब चीज़ें आए हुए थे, ग्रेटर्स आए हुए थे, थोड़े खाने पीने के जो एक अलग अलग कुजीन्स हमेशा लिटिल लेके आता है, तो इस बार भी काफ़ी चीज़ें दिख रही थी, इस तरीके के पेस्ट्रीज और सॉसेस और बिस्किट्स, वॉफल्स वाले बिस्किट्स दिख रहे थे, क्रिस्पी फ्राइड ऑनियंस दिख रहे थे जो हम लोग अपने करीज में बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें आए हुए हैं, लेकिन इस बार मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया है, थोड़ा सा ब्रेक दे रही हूँ मैं, और थोड़े दिन के बाद अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं ज़रूर लूँगी। और ये जो मिनी वॉफल बिस्किट्स होते हैं ना, दे आर एक्सट्रीमली अमेजिंग, अ मस्ट ट्राई ऑप्शन। तो फ्रेंड्स लिटिल से शॉपिंग हो चुका है, अब यहाँ पर बिलिंग कराने के बाद मैं सीधा जाऊँगी इंडियन सुपर मार्केट में। फ्रेंड्स ये था आज का मेरा बिल, ज़्यादा सामान मैंने नहीं लिया है, बेसिक यूज़फुल आइटम्स अभी मैंने लिए हैं जो 2-3 दिन मुझे आ जाएंगे और फिर बाद में मैं फिर से आऊँगी यहाँ पे शॉपिंग। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ क्वालिटी फूड्स में, इंडियन है तो इंडियन ग्रॉसरीज का शॉपिंग तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। और देखिए आम के सीज़न आ चुके हैं, आम आपको भरपूर आपको क्वालिटी फूड्स में आराम से मिल जाएगा। अल्फांसो मैंगो सबसे अच्छा यहाँ पे मिलता है, स्वीट रहता है, रॉ मैंगो भी है, टोमेटोज़ और कॉलीफ्लावर सब कुछ मिलता है। तो बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर आपको पूरे वीडियो में दिखा दूँगी, और मुझे कुछ सामान लेने तो वो भी मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर दूँगी। इसके अलावा क्वालिटी फूड्स के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, अगर आपको इसके बारे में इंडियन ग्रॉसरीज के बारे में अगर कुछ भी जानना है तो मैं उसका लिंक जरूर डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
तो फ्रेंड्स, जो भी इस तरीके के इंडियन शॉपिंग करने होते हैं मैं क्वालिटी फूड से आके करती हूँ, क्योंकि लिटिल एल्डी में आपको ज़्यादातर ब्रिटिश रिलेटेड चीज़ें ही मिलेंगे। और अगर आपको इंडियन कुसिन्स चाहिए तो इसको यहाँ आना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे बनाना, सॉरी, मैंगो लीव्स और नीम लीफ, रॉ मैंगो, मतलब हर चीज़ अवेलेबल होता है क्वालिटी फूड्स में। और यहाँ पे ऐसा कुछ प्रॉब्लम यूजुअली नहीं होता है। हाँ, अगर इंडिया से कंपेयर करें तो प्राइसेस यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो देखिए, मैं इस बार ले रही हूँ टाटा सॉल्ट, तो यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल होता है। नवरात्रि का भी स्टॉक यहाँ पे बहुत आसानी से आपको मिल जाता है हर चीज़। वैसे तो नवरात्रि थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ इस वीडियो आपको अपलोड करने में, बट स्टिल मैं दिखा दे रही हूँ कि जब भी कोई ओकेशन या फेस्टिवल आता है तो क्वालिटी फूड्स में हर चीज़ अवेलेबल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो इतना ही था। मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।